जो भी आपने पढ़ा है इंजन का डिज़ाइन, इंजन के सारे पार्ट्स, उनका एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं फटाफट इस 5-7 मिनट के वीडियो में। तो आइए बच्चों, शॉर्ट रिवीजन क्या था कि देखिए, मैंने आपको बोला था एक सिलेंडर हेड है हमारा, और सिलेंडर हेड जो हमारा है उसमें क्या है, हाँ सिलेंडर की बात हमने की थी, सिलेंडर हमने कहा था कास्ट आयरन का बना होता है, उसमें क्या होता है, उसमें हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को झेलने की क्षमता होनी चाहिए, दूसरा हाई वियर एंड टियर को झेलने की क्षमता होनी चाहिए। उसके लिए उस सिलेंडर में सिलेंडर लाइनिंग लगाई जाती है जो कि निकल क्रोम आयरन की लगाई जाती है, और उसके बाहर वाटर जैकेट्स बनाई जाती है जो कि सिलेंडर को ठंडा रखती है। तो बच्चों उसके बाद उसमें लगा होता है सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये इंजन में सेपरेट बनाया जाता है, और इसमें क्या होते हैं, तीन पोर्शन बनाए जाते हैं जिसमें दो में एक इनलेट वाल्व और एक आउटलेट वाल्व जाती है, और सेंटर में जाता है नोजल। ठीक है, तो सेंटर में नोजल लगा होता है। तो आइए नोजल की बात करें, तो नोजल आगे जाके कनेक्टेड होता है बच्चों फ्यूल पंप से, फ्यूल पंप जो है हमारा गवर्नर से कनेक्टेड होता है, जो गवर्नर का काम क्या होता है कि इंजन के लोड के हिसाब से फ्यूल को कंट्रोल करना, ठीक है ना, ताकि जो इंजन है अपना वो अपनी मीन स्पीड में चल सके, मीन टॉर्क को मेंटेन कर सके, मीन स्पीड में चल सके। ठीक है, तो मीन स्पीड में चलाने के लिए उस जो गवर्नर है वो गवर्नर उस फ्यूल को कंट्रोल करके इसमें भेजता है, ठीक है, जैसा जैसा इंजन का लोड होगा। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी वॉल्व की, तो इनलेट और आउटलेट वॉल्व जो होती है वो वॉल्व रॉड से कनेक्टेड होती है, और वॉल्व रॉड में लगा होता है बच्चों स्प्रिंग, स्प्रिंग जो वॉल्व स्प्रिंग होते हैं वो इसके स्मूथ मोशन के लिए होते हैं, अप डाउन मोशन ऑफ वॉल्व, और उसके बाद लगी होती है रॉकर आर्म। तो ये रॉकर आर्म जो होती है, वॉल्व रॉड एंड रॉकर आर्म जो आपस में कनेक्टेड होती है, वो इसको वॉल्व को अप डाउन मोशन देती है, और उसके बाद वो कनेक्ट होती है यहाँ पे पिस्टन रॉड से, सॉरी पुश रॉड से। तो ये पुश रॉड जो होती है नीचे कनेक्टेड होती है कैम से, कैम क्या करती है वॉल्व की टाइमिंग के हिसाब से इसको अप डाउन मोशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, समझ आई बात। और उसके बाद मैंने कहा आपको कि यहाँ पे जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है फ्यूल के आने का, ठीक है ना, फ्यूल के आने का और सॉरी एयर के आने का, एयर इनटेक आने का और आउट इनटेक जाने का, वो फ्यूल, फ्यूल तो देखो आपका यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, फ्यूल तो आपका जो है वो यहाँ से आ रहा है आपके फ्यूल पंप से, और जो पाथ बना हुआ है ये पाथ क्या है, इनलेट मेन फोल्ड और आउटलेट मेन फोल्ड कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एयर का सक्शन अलग से होता है डीजल इंजन में, और फ्यूल जो है वो अलग जगह से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, इनलेट मेन फोल्ड और आउटलेट मेन फोल्ड लगी होती है। इसके आगे चलें तो यहाँ पे हमारा, हमने बोला था पिस्टन होता है, पिस्टन में दो तरह के रिंग होते हैं, वैसे तो पूरे में रिंग लगे होते हैं यहाँ पे नीचे, लेकिन दो सेपरेट रिंग अलग अलग क्या होते हैं, जो मैंने कहा था अपर रिंग्स होते हैं उन्हें कंप्रेशन रिंग्स बोलते हैं, और लोअर रिंग्स जो होते हैं उन्हें ऑयल रिंग्स बोला जाता है। और नीचे आ जाए तो वहाँ पे पिस्टन पिन और गर्जियन पिन लगी होती है। गर्जियन पिन का काम क्या है, जो आउटर बियरिंग है बिगर एंड बियरिंग है उससे इनर एंड बियरिंग को, स्मॉल एंड बियरिंग को ऑयल सप्लाई करना। और वहाँ से कनेक्टेड होती है कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड जो है वो क्रैंक पिन से कनेक्टेड होती है, क्रैंक के द्वारा वहाँ पे क्रैंक बोल्ट लगे होते हैं, और वो क्रैंक उस कनेक्टिंग रॉड का काम क्या है, इस रेसिप्रोकेशन मोशन ऑफ पिस्टन को रोटेशन मोशन ऑफ क्रैंक में कन्वर्ट करना। और ये क्रैंक जो होता है पूरा पूरा क्रैंक केस के अंदर होता है, जो कि नीचे एक फाउंडेशन ब्लेड से कनेक्टेड रहता है जिसको हम बेड प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट बच्चों हमारा होता है डीजल इंजन के पार्ट्स।